गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर आइए चार्ट में चलते हैं देखने के लिए के कल से क्या एक्टिविटी हुआ है ऑन डिफरेंट करेंसी यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल डॉलर इंडेक्स ये आपका हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फोर एट लोम से 104.21 तक हाई ट्रेड किया था उसके बट जो हायर एंड पे ये सस्टेन कर नहीं पाया फाइनली जो क्लोजिंग है वो है 103.88 यहां यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो है आपका एक डाउनवर्ड लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में चले गए हैं करेंटली एक सपोर्ट जोन के नजदीक है कौन सा सपोर्ट जोन 103.35. 103 ये जोन में थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर रहा है इसीलिए दो दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड हमने देखा है. अभी क्या अभी क्या में हमें देखना है कि यहाँ पे और थोड़ा टाइम पास करते हैं एंड उसके बाद सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं या नहीं ये हो गया पहला दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग पुल बैक सेकेंड so केस का जो पॉसिबिलिटीज है थोड़ा सा हल्का दिख रहा है यानी रिमोट दिख रहा है सो so ऐसा प्रतीत होते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे के तरफ कर सकते हैं डॉलर रुपी नथिंग न्यू कंसोलिडेशन जारी है डॉलर रुपी आपका 83.25 से 83.35 के बीच में अभी और भी नैरो रेंज में अटक गया है एंड जो ब्रदर रेंज है 83 83 10 ऑन द लोअर साइड एंड 8330 8340 ऑन द हायर साइड जब तक यहाँ पे है जब तक इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ अपना कमांड यहाँ पे रखते हैं तब तक कुछ कर नहीं सकते कंसोलिडेशन होने देते हैं फ्रस्ट्रेशन का एक्सट्रीम लेवल्स तक जाने देते हैं वो फ्रस्ट्रेशनस क्या चीज का फ्रस्ट्रेशन ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेशन कि कुछ हो नहीं रहा है एक एक्सट्रीम लेवल में जाने के बाद एक आइदर साइड मूवमेंट होगा कौन सा साइड में में वो ओनली आने वाले दिनों में पता चलेगा तो उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं ट्रेंडेड मूव में जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखा गया उसका लोकेशन क्या था इमीडिएट रेजिस्टेंस जो था ये जो आपका 1.2550 से 1.2580 का एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस था वहीं पे ये एक कंसोलिडेट करके थोड़ा सा रिट्रेस किया बट एट लोअर एंड ये सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज हायर एट थ्री सो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में यही है कि जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इन सच केस हम एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट में भी जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो है है 1.2730 से 1.2750 का सो so, पे देखना है क्या कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या yeah, थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं बट मार्केट इज इन हायर हाई हायर लो मोड जीबीपी बी एनर सिमिलरली आपका कल एक रिट्रेसमेंट देखा गया एक प्राइस सेल्फ देखा गया मैस बेसिकली इट्स सम सोर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आरएसआई डेली अबाउट 60 इसका मतलब क्या है मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है सो so, यहाँ पे जैसे ही कल का नेगेटिव कैंडल का हाई को तोड़ेगा तो, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है आपका हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट 40 से 105.60 का उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने का प्रयास करेगा यूरो डॉलर यूरो डॉलर सिमिलरली दो दिन का एक रिट्रेसमेंट से मींस एक प्राइस करेक्शन से क्या कहां पे लोकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट लोकेशन आपका ये है द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन वो है आपका 1.0930 से 1.0950 के बीच में अभी यहां पे दो दिन प्राइस करेक्ट किया एंड अभी हमें इंतजार है 21 नवंबर के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करने का इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अपवर्ड ट्रेंडेड मूव जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 1.1250 से 1.1280 का

उसके बाद अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है अभी जैसे ही आपका ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर के तोड़ेगा इन सच केस इट मे टेस्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेवलो से नाइन्टी टू पॉइंट सिक्स जीरो का डॉलरियन यहाँ पे अच्छा खासा वॉलिटिलिटी दो दिन में देखा गया ये परसों के दिन इट ट्रेडेड लो ऑफ 147.15 वहीं से एक पिन बार बनाया गया ये पिन बार एंड एंड कल उसका एक्सक्यूज मी फॉलो थ्रू दिया गया है अभी हमें देखना है ऊपर के तरफ एक ट्रेंड लाइन पहले का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस मिलता है या नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में ये तीन बार के लोग को ब्रेक डाउन करते हैं नीचे के तरफ दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी एक्चुअली क्या है बाइंग से आर एस आई तीन टाइम फ्रेम ट्रिपल टाइम फ्रेम का जो सेटअप है उसके हिसाब से ये एक बाइंग जोन है जहां पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते लेकिन और जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है बिकॉज़ मार्केट इज अंडरगोइंग मार्केट बोले थे इन दिस केस द डॉलर एन इज अंडरगोइंग ए सेलिंग मोड बट यहाँ पे जो पिन बार बनाया हुआ है 21 नवंबर का जो पिन बार है दिस बिकम्स द स्ट्रांग डिफेंस लाइन इसके लो के नीचे एक जबरदस्त सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आते हैं आपका एन आई एनआर एन आई एनआर में भी एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है आरएसआई टूक रेजिस्टेंस एट सिक्सटी यहां पे देखने वाला चीज वही है ट्रेंड लाइन सपोर्ट है क्या आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाने का प्रयास करेगा या नहीं एंड इसको ऊपर तभी जाना है एन आई एनआर को कब जाना है जब यह पिन बार 21 नवंबर का जो हाई है उस हाई के ऊपर सरप्राइज सस्टेन करना चालू करेगा इन सच अ केस एक अपवर्ड थ्रस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर केडी साइडवेज कंसोलिडेशन में 1.364060 ऑन द लोअर साइड एंड 1.383840 ऑन द हायर साइड उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड आर के हिसाब से ये भी साइडवाइज में ही है ऑसी डॉलर में देखने वाला बात ये एक बॉक्स रेंज था जहां पे बहुत टाइम से से ये सस्टेन कर रहा था कब अगस्त से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऑलमोस्ट यानी बेसिकली साढ़े तीन महीना इस बॉक्स रेंज में था काफी फॉल्स ब्रेक डाउन भी करने का प्रयास किया था लेकिन रिजल्ट दिया नहीं अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके बाद दो दिन बैक टू बैक हल्का सा नेगेटिव कैंडल जो दिखा रहा है कि ये जो अपार रेंज है पॉइंट सिक्स फाइव टू फाइव वहां पर सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है दैट बीइंग द केस ये जो ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर का हाई है एक पिन बार इनवर्टेड पिन बार का हाई है उसके हाई के ऊपर 80 डॉलर अगर से करते हैं इन सच केस इट मे मूव टुवर्ड्स 1.66725 से 0.68 की तरफ cnh अच्छा से एप्रिसिएशन देखा गया था बट ये जो सपोर्ट लेवल है 7.10 से 7.1250 यहीं पे अभी पिछले तीन दिन में उसी लेवल में सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है ये जो है, pause area. Pause area है, अभी किधर जाना है क्या यह प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा क्या ये कंसोलिडेट करने के बाद लो को ब्रेक डाउन करेगा दिज टू थिंग्स वी नीड टू सी फ्रॉम द प्राइस एक्शन बिहेवियर अभी ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार हो रहा है इसका मेन रीजन क्या है डेली आरएसआई बिलो 40 करेंटली एट 24.82 यहाँ पे बियरिशनेस जबरदस्त है सो सेल अप टिक्स भी कंसीडर्ड एक नजर वीकली का आरएसआई देख लेते वीकली का आरएसआई लेकिन 43.45 पे है एंड मंथली आरएसआई 56 में यानी वीकली एंड मंथली थोड़ा सा साइडवेज टाइप का मूवमेंट दिखा रहा है एंड डेली आपका बियरिशनेस में है अभी आते हैं आपका ब्रांड क्रूड फ्यूचर करेंटली एटी पॉइंट ट्वेंटी वन कल एंड क्या वॉलेटिलिटी था नीचे की तरफ दराम करके नीचे की तरफ गया आपका सेवेंटी नाइन थ्री फोर तक उसके बाद बाउंस बैक किया ऊपर आपका एटी पॉइंट फोर फोर तक अभी एक एटी पॉइंट पे ट्रेड कर रहे तो व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट का क्वेश्चंस को डेसीफर करने के लिए जो हम प्राइस एक्शन एज वेल एज सर्टेन इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं तो पहले प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कर रहे हैं इसके बाद ये जैसे नेकलाइन का हाई है कौन सा एट्टी फोर टेन 8415 इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं आने वाले दिनों में दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस का मतलब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे कहां पे इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी सेकंड लास्ट लूप बाकी है ये होने देते हैं कॉन्फर्मेशन अभी भी हुआ नहीं कॉन्फर्मेशन होगा ये अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एटी फोर ट्वेंटी एटी फोर 84, फोर टेन 84, 84, 84, के ऊपर स्ट्रांग क्लोज देते हैं इन सच एस आर एस आई रीन शिफ्ट करके 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का तैयारी कर रहे हैं सो so, अभी हमें ये देखना है क्या ये 84, 10, 20 को ऊपर स्ट्रांग क्लोज देते हैं या और थोड़ा टाइम पास करते नीचे के तरफ जब तक आपका नवंबर का लो को चैलेंज नहीं करते तब तक हम कंसोलिडेशन से अपवर्ड के लिए ही प्राइस को देखने का प्रयास करेंगे अभी आते हैं आपका ट्रेजरी ये ब्रेक डाउन करने के बाद कौन सा 4.54 को ब्रेक डाउन करने के बाद छोटा छोटा प्राइस एक्शन हो रहे यहाँ पे बड़ा कोई कैंडल फॉर्म नहीं हो रहा है पिछले तीन चार दिनों से एक नजर डाल so पे अभी भी बुलिशनेस बरकरार है जब तक आर एस आई मंथली बिलो सिक्सटी नहीं आते हैं तब तक हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कैसे केयरफुल कोई भी फेड गवर्नर का बोलेगा नो no, नो no, नो no, ये हुआ नहीं है अभी तक हमारा जो टारगेटेड टू परसेंट का सीपी CP, सीपीआई uh, का टारगेट है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम रेट हाइक के बारे में सोचें जैसे ही एक नेगेटिव डेटा आ जाएगा फिर दो चार लोग आके नेगेटिव प्रचार करना चालू करेंगे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन मंथली एक बार मंथली बिलो सिक्सटी स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं

क्या होते हैं या नहीं होते हैं ये ओनली ट्रेजरी <coughs> यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं ये कॉन्सोलिडेशन थोड़ा सा लो से ऊपर जाके पुल बैक करके कंसोलिडेट कर रहे हैं नीचे में आके करने का कर। दोनों के बीच में एक डाइवर्जेंस इसका मतलब क्या है आर एस आई डेली

सर्कल के अंदर में एक कॉन्सोलिडेशन जोन है हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं या ऊपर की तरफ पुल बैक करते हैं ये पुल बैक का सीनारिया कब होगा जब कोई फेड गवर्नर्स आके कुछ बोल दे नहीं नहीं अभी रेट है खत्म नहीं हुआ है ये टारगेटेड सीपीआई इन्फ्लेशन अभी भी काफी न, अपने साइड से काफी दूर है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो दोबारा एक पुल बैक हो सकते हैं यह हो गया आपका करेंसी प्री मार्केट एनालिस्ट नेक्स्ट आज यूएस डे के लिए छुट्टी है सो ओवरऑल डॉलर रिलेटेड ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सो आज एक साइडवेज डे होगा आप अगर ट्रेडिंग भी करोगे तो ज्यादा लंबा मूव ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं क्या कोई न्यूज फ्लो हो जाए तभी जाके पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अदरवाइज छोटा छोटा ट्रेडिंग में छोटा छोटा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन जो है आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक तो बनता है लाइक like कर दीजिए ऑल्सो ए रिमाइंडर दो चैनल यू मे सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे एट बाई बाई